हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वोकी टोकी जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज होगा रिव्यू वोकी टोकी डिवाइस का। ठीक है, तो ये हमने स्नैपडील से परचेज किया है ऑनलाइन, तो इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें इसके प्राइस वगैरह और इसकी क्वालिटी क्या रहेगी और इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो सब इसके अंदर बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पैकेज को ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये पैकेज इसका ओपन हो चुका है, ये बॉक्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका मॉडल है बाओ फेंग। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी जगह ये यूज किया जाता है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। कुछ यहाँ पे फीचर्स इसके बता रखे हैं थोड़े बहुत, स्क्रैम्बर, नॉइज रिडक्शन सर्किट, लॉन्ग स्टैंड बाई टाइम, मतलब बैटरी अच्छी चलती है, लॉन्ग कम्युनिकेशन रेंज है, रेंज भी अच्छी है इसकी, वो इसके अंदर देखेंगे कितनी है। और उसके बाद हाई कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरी है इसके अंदर, बैटरी सेव CTCSS, तो इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो बैटरी को सेव करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग नंबर कमांड ऑफ इंग्लिश एंड चाइनीज फंक्शन ह्यूमैनिज्म डिजाइन। तो जैसे रिपोर्टिंग फंक्शन होते हैं, मान लो आपका कोई कोड दे दिया जाता है इसके अंदर कि भी अल्फा वन अल्फा टू समथिंग वगैरह कुछ भी कोडिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मान लो चैनल वन चैनल टू इस तरीके से। तो चलिए ओपन करते हैं एक बार इसको, बाकी का फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये इसका बिल मिल जाता है, ये तकरीबन डिलीवरी चार्ज के साथ यहाँ पे 1800 समथिंग का प्राइस, इसका 1850 रुपये लगा लो इसको। उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है आपको, जिसके अंदर कुछ इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में अच्छे से बताया गया है। इसको एक बार रख देते हैं, फिर देखते हैं इसके इसको और क्या क्या मिल जाता है। देखिए, अच्छा फिटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल बिखरा हुआ सामान इसके अंदर दिया गया है। तो ये दो एंटीना मिल जाते हैं, RF एंटीना, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे तो ये काम ही करते हैं, तो इनको भी यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद ये दो बैटरीज आपको मिल जाती हैं दोनों के लिए, दोनों जो सेट हैं इसके वोकी टोकी उनके लिए। ठीक है, ये बैटरीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद एक चार्जर आपको मिल जाता है हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग से सेपरेट, तो ये मान लो एक के लिए है, दूसरा दूसरे के लिए। ठीक है, चार्जर भी अच्छा है, चार्जर में आपको बैटरी निकाल के चार्ज नहीं करनी, इसके अंदर आपको पूरा वोकी टोकी ही इसके अंदर रखना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। तो ये सेकंड डिवाइस के लिए है, ये सेकंड डिवाइस के लिए चार्जर दिया गया है। उसके बाद आपको ये क्लिप मिल जाती है इनकी, आपको जो बेल्ट वगैरह होती है आपकी, जिसे बेल्ट के अंदर डालने के लिए, इसको अटैच करने के लिए पीछे से, जो कि यहाँ पर लग जाएगी ये स्क्रू। तो ये वोकी टोकी हैं भाई दो। ठीक है, तो बिल्ट क्वालिटी अच्छी है, बाकी इसके अंदर जैसे ये जो सामान था इनका वो बिखरा हुआ था, या तो ये कोरियर के आते टाइम पे इधर उधर मतलब फेंका गया है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बाकी टूट फूट कुछ नहीं हुई, सामान ठीक है सारा का सारा। तो ये इसके हैंडल मिल जाते हैं, मतलब पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए, जैसे गिरे ना कोई चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के साथ आते थे पहले। ठीक है, तो एक बार इनकी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये शायद इसका रोटेट हो चुका था बटन, साथ में ऑन था, एक बार इसको बंद कर लेते हैं।
दूसरे डिवाइस की भी, जैसे बैटरी ऐसे डलेगी इसकी, थोड़ा सा यहाँ पे रखोगे ना इसको, पीछे से थोड़ा प्रेस करोगे और प्रेस करके आगे की तरफ स्लाइड कर दोगे इसको, ठीक है। तो हमारे डिवाइस रेडी हैं। उसके बाद हम एक बार ये देख लेते हैं इसका, ये हैंडल यहाँ पे लगा लेते हैं। बाकी लगाओ या ना लगाओ आप पे डिपेंड करता है, आप ये भी लगा सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोने में लग जाता है, यहाँ से करके इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं इनके, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, अगर ना डालना चाहें तो, हर टाइम आपको हाथ में रखने की आदत है तो इसको हाथ में भी इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो RF एंटीना है इसके, इनको भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से इसको सिर्फ रखा इसके ऊपर और रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है, दूसरा भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये फर्स्ट जो यहाँ पे रजिस्टर दे रखा है एक, तो इसको आपको रोटेट करना है। सिंपल जैसे रेडियो ऑन होता है ना, रेडियो की तरह एक बटन दिया गया है, इसी के साथ वॉल्यूम होती है, ठीक है। और इसमें सामने ही यहाँ पे एक स्पीकर होता है, स्पीकर के साथ में नीचे की तरफ एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम दूसरे को भी ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी पावर ऑन हो गया। इसमें साथ में एक लाइट दी होती है, अगर आपको कुछ अंधेरे में काम करना होता है तो यहाँ पे लाइट भी दी होती है, और एक यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट भी होती है, जिससे जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उस टाइम पे ये ऑन होती है, ठीक है। ये लाइट ऑन होगी और ये लाइट ब्लिंक करने लगी। उसके बाद देखिए ये रही, ये सर्च करने के लिए फ्रीक्वेंसी वगैरह, ठीक है। तो ये हैंडल हम लगा लेते हैं, इसको बेल्ट में टांगने के लिए काम पे आते हैं, ये हैंगिंग करने के लिए। तो पीछे दो स्क्रू दिए गए हैं, इनको हटा लेते हैं एक बार। तो ये हटाने के बाद इजीली यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे प्रेस कर लेंगे हम, और ये स्क्रू इसमें लगा देते हैं। इजीली लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक लग गया ना, तो अभी दूसरे को अटैच कर देते हैं। तो ये लग गए। तो दोनों रेडी हो गए हमारे वॉकी टॉकी। तो अब इनको हम ऑन करते हैं एक बार कैसे। तो ये फर्स्ट जो इसका ट्यूनिंग बटन है, इससे ऑन होता है और इसी से वॉल्यूम होती है, तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड को भी ऑन कर लेंगे, ये सेकंड ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। ये जब ही ऑन होएगा अपनी फ्रीक्वेंसी बताएगा, चैनल बताएगा किस चैनल पे है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आगे करते हैं, तो 14 आ गया यहाँ पे चैनल, 13 है, और ये किस पे देख लेते हैं, ये भी 13 पे है, ठीक है। तो अब ये 13 चैनल पे कनेक्ट हैं दोनों, ठीक है। तो कोई तीसरा है वो भी 13 पे अगर कनेक्ट होना चाहिए, उसको भी 13 पे सेट करोगे, वो तीसरा भी इस पे कनेक्ट हो जाएगा वायरलेस, ठीक है। तो इसको बोलने के लिए आप एक बार ये ब्लैक बटन प्रेस करोगे,
ठीक है, अब ये सुनने के लिए रेडी है और आप यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, हेलो 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 हेलो, इसको बोलना तो ये भी बटन दबाएगा और बोल देगा। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे सामने ही यहाँ पे आप देख पाओगे एक माइक्रोफोन होता है, यहाँ पे दिया होता है माइक्रोफोन, ये रहा। ठीक है, और ये पूरा स्पीकर होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी यहाँ से इंक्रीज होती है इसकी। ठीक है, और इसको बंद भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इजीली इजी केयर है और इजीली यूज्ड है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर लाइट भी दी गई है, देखिए यहाँ से नीचे वाला बटन दबाओगे तो आप इसकी LED ऑन हो जाएगी। अब ऑन करेंगे तो ये देखिए ऑन होगी ना, और इसको ब्लिंक करना है तो LED को ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर भी दी गई है, काफ़ी अच्छे डिवाइस हैं। कॉस्ट भी बहुत कम है, 1700 रुपये के आते हैं दोनों। 1700 रुपये में दो दो डिवाइस, मतलब दो फ़ोन मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना, इतनी सारी एक्सेसरीज मिल रही हैं। चार्जिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, ये रख गया, अब ये चार्ज होना शुरू हो गया। यहाँ पे दिखाएगा, देखिए ये LED ऑन होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वायर आप बोर्ड में लगा सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी में प्लग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके चार्जर हैं। तो अब इसका यूज़र मैनुअल देखते हैं, क्या क्या दिया गया है इसके अंदर, क्या क्या फंक्शन और अगर एक्स्ट्रा है तो वो आपको बता देंगे। तो ये देखिए, ये इसका यूज़र मैनुअल है। फर्स्टली तो इसमें देखिए, एंटीना बताया गया है, बैटरी बताई गई है, बेल्ट क्लिप दिया गया जो बेल्ट में टांगने के लिए, और हैंड स्ट्रैप दिया गया जो जो बेल्ट सी होती है इसकी, ये वाली ये दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये दी गई है बेल्ट। उसके बाद चार्जर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे चार्जर को यूज कैसे करना है, बैटरी को इंस्टॉल कैसे करना है, लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, जस्ट सी द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, प्लग द इंडक्टर इनटू, चार्ज करने के लिए बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट कैसे किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए इसको जब भी आप निकालोगे। ठीक है, तो ये बैटरी है मान लो, इसको क्या करोगे, पहले यहाँ पे लगा लोगे आप। ठीक है, और यहाँ से प्रेस करोगे नीचे से, मतलब इस तरीके से, और आगे की तरफ धकेल दोगे, ये लग जाएगी। ठीक है, और बैटरी जब भी निकालनी है आपको तो ये बटन है ना, जो ये यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे नाखून के साथ आप ऐसे इस तरीके को आगे से प्रेस करोगे और खींच लोगे बैटरी को, इस तरीके से करके इस तरीके से स्लाइड हो जाएगी वापस। ठीक है, तो ये सब है, ईजिली है। उसके बाद आपको एंटीना यहाँ पे डाल देना, अभी आपको बताया था हमने, रोटेट सिंपली डल जाएगा इस तरीके से, स्क्रू दिया गया है। ठीक है, और साथ में आप एक्स्ट्रा डिवाइस भी अटैच कर सकते हो, जैसे लाउड स्पीकर जो होता है वो भी लग सकता है इसके। ये फंक्शन भी दिया गया है, देखिए एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लगा सकते हैं, और एक्स्ट्रा हेडफोन या जो भी लाउड स्पीकर होता है गाड़ियों के ऊपर लगता है जो छोटा सा, ठीक है, ताकि और ज़्यादा दूर तक इसकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। जैसे अभी हमें कोई अनाउंसमेंट करनी यहीं पे करनी है, तो इसके साथ क्या लग सकता है, ये लग सकता है हेडफोन। ठीक है, हेडफोन भी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक भी, और लाउड स्पीकर भी। ठीक है, यहाँ पे 3.5 mm के यहाँ पे जैक दिए गए हैं। ठीक है, माइक के लिए भी, उसके लिए भी। उसके बाद आगे बटन के बताया गया फंक्शंस, ऊपर वाले की जिसको दबा के हमें बोलना होता है। ठीक है, उसके बाद EF ये चीज़ें, ठीक है, ये कुछ और स्विच के बारे में बताया गया, ऊपर ऑन ऑफ की के बारे में, और फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए। ठीक है, ए के साथ LED, ए जो बटन है, ए नंबर पे क्या है, यहाँ पे LED दी गई है, और बी नंबर पे चैनल स्विच है, जो बी वाला जो ये सेकेंड बटन नहीं होता है, ये ए तो यहाँ पे LED है, और बी यहाँ पे क्या है, चैनल सेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे माइक का जो पोर्ट मैंने बताया था अभी, ठीक है, पावर स्विच ऑन ऑफ कंट्रोल ये है,
ठीक है, ठीक है, ऑफ हो गया। उसके बाद मॉनिटर बटन है, जैसे प्रेस करके होल्ड करके जो हम बोलते हैं इस तरीके से, या ये बटन दबाते हैं सेकंड नंबर पे, जिससे हमारी नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है ना, बैकग्राउंड नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए। फंक्शन की दी गई जस्ट प्रेस टू एक्टिवेट द टॉर्च फंक्शन, टॉर्च भी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद स्विचिंग पावर ऑन के लिए हमने बता दिया, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। ट्रांसमिटिंग दी गई है, मतलब अपना जो भी आपको कहना है कुछ, तो ये ऊपर वाला ब्लैक बटन है PTT, ठीक है, ये दबाओगे, प्रेस एंड होल्ड एंड ट्रांसमिट, इसको दबाए रखेंगे और बोल देंगे जो जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। सुनना भी इसी के साथ होता है। तो यही कुछ खास फंक्शन, और कुछ नहीं है इसके अंदर एडिशनल, ठीक है। बाकी स्कैन कर सकते हैं आप 1 से 15 तक के चैनल, डिफरेंट चैनल, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज अपनी, ठीक है। तो 16 डिवाइस को भी आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में, उनको बता सकते हैं, सभी को एक ही फ्रिक्वेंसी पे कमांड दे सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी। एमरजेंसी अलार्म भी इसके अंदर होता है, ठीक है। ऑन चैनल 11, चैनल 11 पे लगा हो गया, प्रेस एंड होल्ड द PTT एंड मोनी, ठीक है, देन स्विच द ट्रांस रिसीवर ऑन दस टू एक्टिवेट द एमरजेंसी अलार्म, एक्टिवेट या ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। बैटरी लो अलर्ट भी है इसके अंदर, आपको इंडिकेटर ब्लिंक होने लग जाएगा रेड कलर में अगर बैटरी लो हो जाती है तो, ठीक है। चैनल बिजी है तो वो भी बताएगा ये, कि मतलब कोई और बोल रहा है तो उस टाइम पे भी ये बताएगा आपको। तो यही सब इसके अंदर दिया गया था, काफ़ी अच्छे डिवाइस लगे, कुल मिला के क्वालिटी अच्छी है इनकी। आप भी अगर परचेज करना चाहें अपनी कंपनी के लिए, अपने किसी फर्म के लिए, अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा मोबाइल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रख सकते हैं आप। इसमें मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका, कोई बिल नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको कोई रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को चलिए क्विट करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।